उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री कुनरकी विधानसभा में पहुंचे और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। भाजपा के प्रत्याशी रामवीर सिंह के समर्थन में जनता से वोट मांगे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आपको बता दें कि मुरादाबाद में 65% और 35% का जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए मुसीबत बना हुआ है। लेकिन ऐसे में आज उसी कुनरकी विधानसभा सीट के कुछ हमारे साथ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरह की उन्होंने रणनीति बनाई है और उनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्योंकि आप मुस्लिम हैं, क्या लगता है कि भाजपा के साथ इस बार मुस्लिम जाएगा? भाजपा के साथ अब के मुस्लिम 80% जाएगा, 1,00,000 वोट मुस्लिम वोट बीजेपी को जा रहा है। क्यों कहा? क्योंकि समाजवादी और बसपा ने भी अपने कैंडिडेट उतारे हैं, MIM ने भी उतारे हैं, क्या लगता है वहाँ पर कोई ऐसा है? मुस्लिम कैंडिडेट आज तक बनते चले आए हैं, बहुमत करते चले आए हैं, किसी ने ना कोई विकास कार्य करवाया है, ना किसी की सुनी है। यहाँ तो वोट लिया, अपना काम निकाला, बात खत्म है। 50 साल पहले जो पूर्व में इनके रियासत बाबूजी के टाइम के विकास कार्य हुए हैं वही हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अगर न चलती तो हमारे गांव को तो रास्ता देखने न मिलता। मैं यहाँ ग्राम वीरपुरियाल और सड़क से ग्राम प्रधान भी हूँ। इस सरकार में उज्ज्वला योजना चली, सब गरीब परिवारों को मिला राशन है। इस सरकार में सब मिल रहा है, कोई कालाबाजारी नहीं हो रही। तो कुदर की सीट पर तो लगातार रामवीर सिंह लड़ते चले आए हैं, क्यों उस वक्त क्या साथ नहीं मिला उन्हें मुसलमानों का? जब भी भाई साहब को 17 में भी साथ मिला था, लगभग 25,000 वोट मिला था मुस्लिम भाई साहब को, ठाकुर साहब को। अब के 1,00,000 से प्लस वोट मिल रहा है उनकी आदत पे, उनकी मोहब्बत पे। और ये हमारे जो पूर्व विधायक रहे हैं, ये तो गन्ना जैसे गन्ना को ना कोलो पे रहे हैं, तो रस निकाल लिया, फिर दोबारा पेल लिया, फिर दोबारा पेल लिया, मुसलमानों का खून पी गई है। तो इसलिए मुसलमान के खिलाफ हो गया, इसी और खिलाफ होने की वजह से सब सब ठाकुर रामवीर सिंह के साथ है। अच्छा, वो अपने अपने चुनाव में अपने जनसंपर्क में बार बार ये कह रहे हैं कि भाई इस बार मुसलमान मेरे साथ है, रामवीर सिंह कहीं पर भी नहीं है। आपको क्या लगता है? अच्छा, आपको क्या लगता है किस चीज के बारे में? अच्छा, क्योंकि रामवीर सिंह के साथ में जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, वो बार बार अपने जनसंपर्क में कह रहे हैं कि मुसलमान हमारे साथ है, क्योंकि इस बार कुनरकी विधानसभा सीट पर जो भी प्रत्याशी जीतेगा वो कहीं ना कहीं मुस्लिम मतों के आधार पर ही जीतेगा, क्या लगता है? मुस्लिम वोटों का जो डाइवर्जन हुआ है बीजेपी की तरफ कुनरकी क्षेत्र का, वो इसलिए हुआ है कि पिछली सरकारों में जो भी काम हुआ है सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं हुआ है। और इस तरफ आने का मकसद यही है कि ये पार्टी विकास कर रही है। और जहाँ तक ठाकुर रामवीर सिंह का ताल्लुक है, वो विधायक ना रहते हुए उतने काम उन्होंने हमारे बना दिए कि जितना कोई विधायक या MP नहीं बना सकता। हमारे क्षेत्र में भैंसें बांटी गई, महिलाओं को सिलाई मशीन बांटी गई, और जो नाजायज़ मुकदमे हम पे लगवाए गए थे वो हटवाए, और जो गरीबों की स्वास्थ्य की जो परेशानियां थी, यहाँ तक कि एक यही मुंडा पांडे की एक महिला है, उसके बेटे की किडनी खराब हो गई, 17.5 लाख रुपए दिए हैं उसे, और आज वो बच्चा स्वस्थ है। क्यों भाई, आपको क्या लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ पर ये लगता है कि भी भाजपा के साथ मुसलमान नहीं आ रहा, इस बार क्या लग रहा है मुरादाबाद में भी? मुरादाबाद में ही लग रहा है कि जितना भी मुस्लिम वोट है सर, सिकंदर ठाकुर रामवीर सिंह का है। और पूरे उत्तर प्रदेश में लगता है आपको कि भाजपा के साथ इस बार मुसलमान जाएगा? 9 विधानसभाएं हैं इसके अलावा। 100% मुख्यमंत्री ने आज जो बातें कही बहुत बढ़िया, हम पूरी तरह संतुष्ट हैं, खुश हैं। क्या कह रहे हैं वो? वो कह रहे हैं कि विकास के नाम पर वोट देना है, फिर देश को उन्नति देना है, देश का विकास करना है। अगर देश को आगे लेके जाना है तो एकजुट होकर चलना पड़ेगा, और अगर कौमवाद, परिवारवाद या साम्प्रदायवाद पे चलोगे तो देश तरक्की नहीं करेगा। और हमें चाहिए तरक्की, क्योंकि हम पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, तो पढ़े लिखे वर्ग को क्या चाहिए? विकास, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, और वो सब हमें इस सरकार में मिला है। क्या भाजपा को इस बार ही मुसलमानों का समर्थन मिल रहा है या फिर अगली बार भी ऐसा देखने को मिलेगा? अब मुस्लिम पढ़ गया, अब तो जुड़ गया, जब अनपढ़ था अब पढ़ लिख गया तो दिमाग आ गया, तो दिमाग आ गया तो विकास की तरफ भी जाएगा ना, इनकी तरफ बेकाय में नहीं आएगा। जब अनपढ़ था तो इनके बेकाय में था, आप पढ़ लिख गया तो बेकार में नहीं आ रहा, वो अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है कि मैं कहाँ ठीक रहूंगा। अब तक क्या इस्तेमाल हो रहे थे मुस्लिम मतदाता, लग रहा है आपको? इस्तेमाल नहीं हो रहे, बुरी तरह से पीला जा रहा। बोलो में जैसे भाई साहब ने बताया, गन्ने को पेलते हैं, रस निकालते हैं, ऐसे जूस निकालते हैं मुसलमानों का। ठाकुर रामवीर सिंह के व्यक्तिगत पर्सनल बिल्कुल घर जैसे मुस्लिम लोगों से संपर्क भी है, कैंडिडेट भी ये ऐसे है कि ये तो अगर पार्टी
आज तक नहीं, अगर 2050 साल तक भी प्रत्याशी उतारती रहेगी तो मुस्लिम इनके साथ खड़ा रहेगा। अच्छा, एक सवाल मेरा आखिरी है कि क्या इस बार मुस्लिम मतदाता रामवीर सिंह को वोट दे रहा है या भाजपा को वोट दे रहा है? रामवीर सिंह को और पार्टी को, दोनों को दे रहा है। ज्यादातर रामवीर सिंह को दे रहा है। आपको क्या लगता है? रामवीर ठाकुर साहब को वोट दे रहा है। भाजपा को वोट नहीं है? भाजपा का भी है। नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ, ज्यादातर ठाकुर साहब का वोट है। यहाँ पर मुस्लिम लगभग 75% है बीजेपी के, जो सदस्य चली है, अभियान चला, 75% मुस्लिम। नहीं, मेरा सवाल ये है कि इस बार अगर आप ठाकुर रामवीर सिंह को वोट दे रहे हैं, क्या अगली बार भी इस तरीके का समर्थन मिलेगा या फिर भाजपा या रामवीर सिंह को आप वोट दे? मैंने आपसे कहा कि पढ़ लिख गए, अब अनपढ़ नहीं रहे, जब पढ़ लिख गए तो तभी तो बीजेपी के साथ है। तो देखिए, ये है हमारी कुंदर की विधानसभा के वो लोग जिनका सीधे तौर पर कहना है कि इस बार मुस्लिम ने अपना मन बना लिया है, लेकिन आगे भी मुस्लिम कहीं ना कहीं पढ़ लिख कर अब अपने भविष्य की ओर देखेगा और जो उसके फायदे की चीज होगी या फिर यूं कहें जो उसके भविष्य को उज्जवल करेगा, उसकी तरह वो मुस्लिम मतदाता जाने वाला है।